क्या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और इसकी वजह से आप परेशान हैं कि क्या मुझे ड्रॉप करना चाहिए या मुझे ड्रॉप नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र में। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी और मेंटर हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ड्रॉप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि मैं आपको बस सलाह दूंगा कि आपको ड्रॉप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आपको खुद की एनालिसिस करनी है, आपको खुद की गलतियां पता लगानी है और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको ड्रॉप करना है कि नहीं करना है। तो सबसे पहले बच्चे मैं बात करूंगा कि आपको किन किन परिस्थितियों में किसको ड्रॉप करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा कि अगर ड्रॉप करना है तब क्या करना है और अगर ड्रॉप नहीं करना है तब क्या करना है। तो नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सब बच्चों के लिए है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको ड्रॉप करना है या नहीं करना है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका अटेम्प्ट क्या था, मतलब कितने अटेम्प्ट अब तक आपने किए हैं। तो बच्चे अगर आप एकदम फ्रेशर्स हैं, देखिए फ्रेशर्स से मेरा दो मतलब होता है, ठीक है। फ्रेशर्स से एक मेरा मतलब होता है कि जो टेंथ पास करके आते हैं पर उन्होंने तो अभी नीट का कोई एग्जाम दिया नहीं है, तो वो तो अपनी प्रिपरेशन बिगिन कर रहे हैं। तो फ्रेशर यहाँ पे ड्रॉप के सेंस में फ्रेशर का मतलब होता है जिन्होंने ट्वेल्थ में अभी अभी एग्जाम दिया है, या तो उन्होंने ट्वेल्थ में कोचिंग कर रखी थी या कोचिंग नहीं की थी, वो अलग बात है। लेकिन जो अभी जस्ट बच्चे हमारे ट्वेल्थ पास किए हैं उनको मैं फ्रेशर बोलूंगा, ड्रॉप के सेंस में अगर बात हो रही होगी तब। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं बच्चे और आपको डॉक्टर बनना है, आपको चाहिए कि आपका नीट में सिलेक्शन हो, तो मैं ये कहूंगा, मेरा ये पर्सनली ये मानना है, मेरा ये कोई लॉ नहीं है, कि आपको ड्रॉप करना चाहिए। आपको एक साल खुद को देना चाहिए, खुद को उभारने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक साल आपका जरूर देना चाहिए। तो वो बच्चे जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में अगर आपको, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट, अगर आपको डॉक्टर जनरली बनना है तो आप जरूर ड्रॉप लें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो फ्रेशर्स के लिए मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, एक साल तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जरूर करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वो ड्रॉपर्स की जिनका एक दो साल तक का ड्रॉप है, यानी कि 12th पास किया बच्चों ने 2018 में या 2019 में, और वो बच्चे अगर जानना चाहते हैं कि हमको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये बात मैं उनके लिए कर रहा हूं। तो अगर सबसे पहली बात तो आप खुद से पूछो कि मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। आपके पापा बोल रहे हैं, मम्मी बोल रही है, आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं, आपके दोस्त बोल रहे हैं कि एक बार ड्रॉप करके देख लो, शायद अगली बार निकल जाए, ठीक है। तो उनकी बातें मत सुनो भाई, क्योंकि अगर वो बोलेंगे, पापा आपके बोल रहे हैं, मम्मी आपके बोल रही है कि ड्रॉप लो, और आप जानते हैं आप नहीं कर सकते हैं, तो ये आप उनके साथ भी धोखा कर रहे हैं और खुद के साथ भी धोखा कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, खुद से पूछना है कि क्या मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं या मैं नहीं लेना चाहता हूं। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चे कि ये तो अलग चीज है खुद से पूछना है कि मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं या नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ये चीज है, अगर आपने खुद से पूछा कि मुझे ड्रॉप लेना है और नहीं लेना, और आपकी अंतरात्मा ने जवाब दिया कि हाँ भाई एक ड्रॉप और ले लो, उसके बाद आपको ये करना है, आपको अगर पता है कि ऐसी कौन सी गलती पिछले साल हुई थी मुझसे जिसकी वजह से आज मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मेरे मार्क्स 400 नंबर के 500 नंबर के नीचे आ रहे हैं, तो अगर वो बच्चे जो 400 से 500 550 के बीच में हैं अभी, और अगर मॉपअप के अलावा उनको कहीं मिलता नहीं है, मॉपअप में नहीं मिल पाता है सीट, तो अगर वो बच्चे चाहते हैं ड्रॉप करना, तो सबसे पहली चीज है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पिछले साल आपने ऐसी कौन सी गलती की थी कि आप इतने सारे बच्चों से पीछे हो गए और वो बच्चे आपसे आगे निकल गए। तो सबसे पहले उस चीज को एनालाइज करो कि हमसे गलती कहां पे हुई थी। हमारा पिछला वीडियो जो गया है कि क्यों मेरे नीट में कम मार्क्स आए, उसको जाके एक बार आप देखिए, उसमें आपको मैंने कुछ 5-6 कैटेगरीज बताई है, तो आप देखिए कि आपने जो गलती की है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है, और उसके सोल्यूशन की वीडियो भी मैं बनाऊंगा जल्दी।
तो अगर आपको पता है बच्चे, आप 1 या 2 साल के ड्रॉपर हैं, अगर आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन इस बार क्यों नहीं हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, कोई कोचिंग वाला ये आपको नहीं बताएगा कि ये चीज खुद की एनालाइज करो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपने ऐसे पिछले साल कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो गए। क्या आपके पास प्रैक्टिस की कमी थी, क्या आपने प्रैक्टिस कम की, क्या आपने थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा, क्या आपने टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं दिया, क्या आप बीच के महीनों में भटक गए जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला। तो ये चीजों को एनालाइज करो, और अगर लगता है भाई कि इस बार सही किया जा सकता है तो इस बार उसको अच्छे से उसको रेक्टिफाई करो, उस एरर को जो एरर आपसे पिछले साल हो गई थी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा और जो ज्यादा ड्रॉपर्स बच्चे हैं, जो 3 साल 4 साल या के 5 साल के ड्रॉपर बच्चे हैं, मेडिकल में ड्रॉपर्स बहुत होते हैं क्योंकि मेडिकल, वैसे भी मेडिकल का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप 3-4 साल में नीट को निकालते हैं तो आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। एक बार आप जब डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर उम्र वगैरह कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि उसके बाद तो आप यंग ही रहेंगे जब डॉक्टर रहेंगे तो। ठीक है, आपने देखा होगा ज्यादातर डॉक्टर्स, जितने डॉक्टर्स होते हैं वो यंग ही दिखते हैं, बहुत कम होते हैं जिनमें पता चलता है कि वो एज उनकी हो गई है, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं उन ड्रॉपर्स बच्चों के बारे में जो 3 या 5 साल 3-4 या 5 साल के ड्रॉपर हैं। तो भाई सबसे पहली चीज मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके मार्क्स लगातार 2 साल या 3 साल से कंसिस्टेंटली उतने ही आ रहे हैं, और अगर आप हर साल आप कुछ ही रैंक से अपने सिलेक्शन से पीछे छूट रहे हैं, तो भाई ये गलती आप अगले साल भी करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूँ, अगर आपने 3-4 साल ड्रॉप लिया है और आपका 1 साल आपका सिलेक्शन 20 नंबर से रुका, अगले साल फिर 22 नंबर से रुका, और उसके अगले साल फिर 28 या 25 नंबर से रुका, तो यही गलती आप फिर से अगले साल करने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि वो ड्रॉपर बच्चे जो इनका 1 या 2 साल ड्रॉप है, उनको सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि उन्होंने गलती क्या की थी, और यही वो स्टेप अगर मिस किए तो वो उस हालत में पहुंच जाएंगे कि लगातार 3 साल 20-20 नंबर के मार्जिन से भाई सिलेक्शन से पीछे रह जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो 1-2 साल के ड्रॉपर बच्चों को बोला कि आप अगर आपको पता है कि आपने कौन सी गलती की थी जिस वजह से नहीं हुआ सिलेक्शन, तो आप ठीक है तैयारी करिए। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा लक नहीं सही था, ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी, मेरा लक नहीं सही था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ड्रॉप अब इस साल ना ले, क्योंकि आपको गलती थी, आपकी गलती थी तब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई गलती ना हो तो और आपका सिलेक्शन ना हुआ हो। तो यही मैं अपने उन ड्रॉपर्स के से कहना चाहता हूं जिनका 3 या 5 साल का ड्रॉप है, कि आप अगर वो गलती करते आ रहे हैं लगातार 3 साल से, जिसमें आपने आप हर बार 20 नंबर से ही छूट रहे हैं सिलेक्शन से, हर साल आप उस 20 नंबर को नहीं कवर कर पा रहे, तो आपने वो गलती कर दी है जो गलती मैं अपने 1-2 साल के ड्रॉपर वाले बच्चों से करने से मना कर रहा हूं। तो अगर अभी आप उसको रेक्टिफाई नहीं करते हैं, आपको पता ही नहीं है वो गलती क्या है, तो आप मत ड्रॉप लीजिए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ का ये क्रूशियल टाइम उस चीज के लिए मत जाया करिए जो चीज आपके लिए बनी ही नहीं है। तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं करने को, तो ये हुई बात। लेकिन वो ड्रॉपर जिनका 3-4 साल का ड्रॉप हो चुका है, लेकिन उन्होंने इस बार क्या किया, अपनी गलती एनालाइज कर दिया, यार मैं देख रहा हूं मैं 3 साल से यार पढ़ तो मैं पूरा रहा हूं, लेकिन टेस्ट वगैरह मैं ठीक से देता नहीं हूं, मैं बीच के महीनों में सुस्त हो जाता हूं, या मैं संगत गलत पकड़ लेता हूं, या फिर मैं किसी और एक्स्ट्रा चीजों में इन्वॉल्व हो जा रहा हूं, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं। अगर आपने गलती को पकड़ ली है कि क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो जरूर आप ड्रॉप लें, 1 साल और ड्रॉप लें, मैं आपके साथ खड़ा हूं और हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, और बस ये है कि आपको अपनी गलती पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बात हमने इस पे कर ली कि ड्रॉप करना चाहिए ना करना चाहिए, मैंने अलग अलग तरीके से बता दिया किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए और मेनली अगर वो बच्चे जो मेरे वो बच्चे देखिए, मैं यहाँ पे ज्यादातर जो टीचर्स बताते हैं बहुत सारे टॉप
कॉन्कुरेंट जो ब्रांड्स हैं वो बोलते हैं कि जिनके नंबर 550 से 580 के बीच में आए वो ड्रॉप करें जिनके नंबर। तो मैं नंबर के बेसिस पे नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये नंबर नंबर कुछ नहीं है भाई, ये नंबर आप 3 साल से 4 साल से लगातार एग्जाम दे रहे हैं तो इतने नंबर आ जाएंगे आपके क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया इस चीज का। तो मैं इसीलिए मैंने एक बार नंबर का जिक्र नहीं किया कि कितने नंबर से नीचे हो तो क्या हो, ये सब मैंने जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों नहीं जिक्र किया कि अगर मान लीजिए आप 580 नंबर लेके आ भी रहे हैं हर साल, आप हर साल 550 540 नंबर लेके आ रहे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन 20 नंबर से हर साल रुक रहा है, तो उन कोचिंग वालों की यार उन ब्रांड्स की बात मत मानिए जो आपसे कह रहे हैं कि भाई आप बहुत नजदीक है सिलेक्शन के, आप करिए इस साल ड्रॉप। लेकिन आप ये भी तो देखिए आप उतनी ही नजदीक 3 सालों से हैं तो कोई फायदा नहीं है ड्रॉप करने का, बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं अपनी गलतियों को ठीक है तो आप लोग इस साल ड्रॉप करें। और मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि नीट शास्त्र काउंसलिंग एंड मेंटर सेल हमने फॉर्म किया है जिसका कॉन्टेक्ट नंबर यहां पे आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिख जाएगा, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा आपकी काउंसलिंग और मेंटरिंग करने के लिए बैठी रहेगी। आप कभी भी कॉल करें सुबह के 9 बजे के बाद, 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक आप कभी भी कॉल करें, हमारी पूरी टीम आपको जवाब देने के लिए आपके काउंसलिंग को। आप डिप्रेस हो रहे हैं, आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर अभी कोई चल रही एग्जाम से रिलेटेड तो उसको हल करने के लिए हमारी टीम आपके साथ बैठी हुई है ठीक है। और आपको हमेशा हमारे तरफ से हमारी टीम की तरफ से कोई मिलेगा जो आपको बात कर सके, आपको ठीक से समझा सके, डायरेक्ट 1-to-1 आपको समझा सके ठीक है। तो ये बात हो गई ड्रॉप करें या ना करें। तो चलिए अब दो पॉसिबिलिटी बनती है ड्रॉप करें और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है ड्रॉप ना करें। तो ड्रॉप करें अगर मान लीजिए आप ड्रॉप कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है मैं आपको समझाता हूं ठीक है। तो देखिए वो बच्चे जो फ्रेशर बच्चे हैं वो अगर ड्रॉप कर रहे हैं और वो बच्चा जो 2 साल का ड्रॉपर है 1 साल का ड्रॉपर है वो ड्रॉप कर रहा है और कोई 3 या 5 साल का ड्रॉपर है वो ड्रॉप कर रहा है, तो तीनों का ड्रॉप करने का जो मैकेनिज्म होगा, जो ड्रॉपिंग ईयर में काम का मैकेनिज्म होगा वो अलग अलग होगा। सबसे पहले मैं फ्रेशर्स के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जो बच्चे फ्रेशर्स हैं देखिए अगर आपने अच्छा कोचिंग कहीं से नहीं ली है या आपने कहीं अच्छे ऑनलाइन जगह से क्लास नहीं किया है अब तक, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप किसी अच्छे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले। क्योंकि आपको क्या होता है ये अगर आप अच्छे ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे तो वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे 1 साल तक। तो अगर आप 1 साल तक आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, आपको वो जो कोचिंग जो है जो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग है वो आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, आपको कितने घंटे पढ़ना है। तो फ्रेशर बच्चों के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रॉपर मेंटरशिप वाली कोचिंग जहां पे प्रॉपर गाइडेंस हो ऐसा लेना कंपलसरी है, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी का नहीं हो सकता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जो बिना किसी कोचिंग के बिना किसी मेंटरशिप के खुद से कर लेते हैं, लेकिन मैं जनरल बात बता रहा हूं ठीक है। चलिए ये बात हो गई फ्रेशर बच्चों की, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो 1 या 2 या 3 या 4 साल के ड्रॉपर हैं, कोई भी ड्रॉपर टाइप के बच्चे हैं ठीक है। लेकिन अभी मैं मेनली बात करूंगा 1 या 2 साल के ड्रॉपर जिनकी मैं सेकंड कैटेगरी जो हमारी, तो उनके लिए मैं एक सलाह दूंगा भाई ऑफलाइन कोचिंग को ना बोल दो आप। मैं ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ से नो टू ऑफलाइन कोचिंग। भाई आपने 2 साल कोचिंग की है ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, आपने गलती मेनली जो की है वो आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस है और आपकी अटेंटिविटी है ठीक है। आपने अटेंशन नहीं दिया अपने पेपर को अपने पढ़ाई को और साथ में आपने टेस्ट सीरीज नहीं की जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं बन पाई। तो आप क्या कर सकते हैं जो वो बच्चे हमारे जो 1 या 2 साल के ड्रॉपर हैं वो किसी अच्छी ऑनलाइन फैकल्टी ऑनलाइन कोचिंग या फिर कहीं भी ऑनलाइन आपको कोर्स मिल रहा हो जो अफोर्डेबल प्राइस में अगर आपको कहीं ऑनलाइन कोर्स मिल रहा हो तो उसको आप ज्वाइन कर लें। क्योंकि वहां पे क्या होगा बच्चों आपको क्या करना है पूरे साल सेल्फ स्टडी करनी है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। तो आपको एक काम करना है आप ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो 1 या 2 साल के ड्रॉपर है, आप कोई ऑनलाइन कोर्स ले लें ठीक है और आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। लेकिन आपको जहां लगे कि मुझे ये कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है फटाक से उस चीज की वीडियो देखिए, उसका क्वेश्चन बनाइए, उसकी वीडियो भी बनाइए और आगे बढ़िए। तो एक आप लोगों के लिए पहला काम है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास ले लें और दूसरा काम आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जिसमें नंबर ऑफ टेस्ट जो हो वो ज्यादा हो। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, दो
ये दो चीज आपके लिए जरूरी है, जो वो बच्चे जो एक या दो साल के ड्रॉपर हैं, और जो फ्रेशर बच्चे हैं वो कोई ऑफलाइन अच्छी कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो ऑलरेडी उनको टेस्ट सीरीज उसमें मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो 3 से 5 साल के ड्रॉपर हैं। अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो मेरी नजर में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कोई लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हाँ थोड़ी जरूरत पड़ती है तो आप ऑनलाइन किसी कोचिंग से अटैच हो सकते हैं। ठीक है, और हम लोग साथ में हम लोग आपको जैसे ये नीट का सेशन, अभी हम लोगों ने तो नीट 2021 के लिए थोड़ा सा स्टैंड बाई मोड में रखा हुआ है अभी हमारे प्लेटफॉर्म को, लेकिन हम लोग जल्दी इसमें फ्री लेक्चर्स डालना शुरू करेंगे और आपको मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आस्ट्रो सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, हम लोग साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स की प्रॉपर मेंटरशिप प्रॉपर गाइड करेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये बात हो गई, जो थर्ड जो 3 या 5 साल के ड्रॉपर बच्चे हैं वो या तो कोई कोचिंग ना लें, बस आप लोग एक काम करें टेस्ट सीरीज को ले लें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, ये बात कर ली मैंने कि अगर आपको ड्रॉप करना है तो आपके पास कौन अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या क्या होना चाहिए, ऑप्शंस क्या क्या और क्या उन्हें करना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि अब आपको ड्रॉप नहीं लेना, अगर आप इनमें से कोई सोच रहा है कि अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लोग या तो अगर ड्रॉप नहीं लेना है तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, इंडिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इन सब अच्छी यूनिवर्सिटियों से आप बीएससी कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से बीएससी कर लें, जैसे कि केमिस्ट्री से कर लें, फिजिक्स से कर लें, मैथमेटिक्स तो चलिए वो आईआईटी का वाले बच्चे करेंगे मैथमेटिक्स से, आप जूलॉजी से कर लें, आप बॉटनी से कर लें, आप जियोलॉजी यानी अर्थ साइंस से कर लें, इसका भी स्कोप अच्छा खासा है। आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, गवर्नमेंट फील्ड में इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप बीएससी कर लें, या तो आप किसी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले लें, जैसे कि बीएससी नर्सिंग कर लें, हर जगह टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट हैं जो कि इसमें प्रॉपर प्लेसमेंट होता है, तो आप या तो पैरामेडिकल कर लें, या तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, आप या तो वेटनरी साइंस कर लें। वेटनरी साइंस का भी बहुत स्कोप है हमारे देश में। ठीक है, अब हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, आप ये सबको पता होगा कि इंडिया की जीडीपी का मैक्सिमम पार्ट एग्रीकल्चर अपने करने पे उठा है, तो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट फार्मिंग, एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मिंग नहीं होती है, जो कैटल वगैरह इन सब की जो देखभाल ये सब काम होता है ये भी एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, तो इन सब के फील्ड की वजह से बहुत ज्यादा सरकार इन्वेस्टमेंट करती है वेटनरी फील्ड में, तो यहाँ पे जॉब्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर मान लीजिए आपने बोला कि नहीं सर हमारा पैशन है एमबीबीएस, तो हमको एमबीबीएस ही करना है, तो आपके पास ऑप्शन बचता है एमबीबीएस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से करना। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप करेंगे तो आप इंडिया में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इंडिया में एमबीबीएस करना है प्राइवेट कॉलेज से, तो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज की मैं आपको एवरेज फीस बता रहा हूँ कि 10 लाख से 15 लाख के बीच में इंडिया में एवरेज फीस होगी उन बच्चों के लिए जो जिनको काउंसलिंग में एडमिशन नहीं मिला हो, जैसे कि साउथ में कुछ कॉलेजेस है जिनकी 8 लाख 9 लाख भी है। ठीक है, तो मणिपाल यूनिवर्सिटी कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है। ठीक है, तो मणिपाल वगैरह का क्या है कि ये सब की जो रैंकिंग्स हैं वो सरकारी कॉलेजों के साथ आती है, तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपकी नीट स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मणिपाल में एडमिशन लोगों को मिल रहा होता है और उनको नीचे कोई गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन पे लोग, तो मणिपाल में आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे अगर आपको वहां एडमिशन लेना है तो। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको इंडिया में मेडिकल में एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम 10 से 15 लाख पर एनम, 10 से 15 लाख एक साल में आपको खर्च करना ही पड़ेगा, हो सकता है 10 से 17 लाख भी हो सकता है। कई जगह उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें फीस बहुत ज्यादा है नॉर्मल। ठीक है, तो या तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपका बजट उतना ज्यादा नहीं है, आपके पास इतने पैसे आप इस चीज में नहीं खर्च कर सकते हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है कि नॉर्थ एशियन कंट्री या फिर ईस्ट यूरोपियन कंट्री में जाके आप या फिर सेंट्रल अमेरिकन स्टेट में जाके आप एमबीबीएस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में जानते हैं आप लोग, बहुत सारे बच्चे किर्गिस्तान जाते हैं, बहुत सारे बच्चे चाइना जाते हैं, बहुत सारे बच्चे रशिया जाते हैं, बहुत सारे बच्चे यूक्रेन जाते हैं, और कुछ फिलीपींस भी जाते हैं। तो इन सब जगहों से एमबीबीएस करने का जो मतलब आपका जो
पर एनम लगेगा आपकी फीस एक्चुअली, तो वो 5 से 7 लाख के बीच में आएगी। तो अगर आप बाहर से करते हैं तो आपको 5 से 7 लाख में आप कर लेंगे MBBS, अगर आप इंडिया से करते हैं तो 10 से 15 या 10 से 17 लाख में करेंगे। तो अब तो लगभग देखिए सारी जगहों के बात तो बराबर हो गई है, ठीक है। आपको आएंगे तो आपको एग्जिट एग्जाम देना ही पड़ेगा, आपको MCI की जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी वो आपको देनी पड़ेगी, और उसमें वो क्वालिफाइंग एक एग्जाम होता है कि अगर आप उसको सर्टेन क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, और आप आगे जाके मान लीजिए MBBS में गए, बाहर गए, यहीं से कर रहे हैं, तो आप कोई बहुत सारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिससे आप PG की अपनी तैयारी, स्क्रीनिंग की तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे वाइड ऑप्शंस हैं। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं, किस चीज पे वीडियो चाहते हैं कि हम बनाएं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके सामने फिर आऊंगा एक बार कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और हम लोग जल्द आएंगे लेक्चर्स के साथ। पर अभी तक मैं जब तक इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा तब तक मैं आपको एक एक इंफॉर्मेशन अच्छे से दूंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें लाइक करें, और लोगों को बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम एकदम एग्जैक्ट और एकदम सटीक इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, आपको इफेक्ट कर सकती है, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।